किसी की जमीन खाताधारी की जमीन नहीं है। उसके बाद में भी वो गदम पट्टी गदम पट्टी गलती मैडम प्रशासन की है। प्रशासन ने अभी हमें कुछ नहीं बताया, कोई धनियों को नहीं बताया, तो इस धनियों को बताया न मैं बताया कि ये तो तुम्हारी यहाँ तक है और ये तुम्हारी यहाँ तक है। जो बात है मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दी, छोड़ो देखो था 21 साल का पागल है, रोड पर निकल जाना तो ही भी मर जाए। सरपंच की, पुलिस की, प्रशासन की गोजवर्दी। जल को झुंझुनू से खुशबू जी आए थे, उन्होंने हमारा काम बहुत अच्छे से करवाया। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रूपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू जिलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ बुहाना तहसील के अंदर ढाणा गांव आवा है, बड़े आप पहुंचे हाँ। केवल ये सिंगाणा 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और फिलहाल इजा जो मेरे पीछे थे देख रहे हो एक रास्ता है, और रास्ता का विवाद चल रहा है। तो अठा का आस पास का लोग ही जितना जगह को जो रास्ता लागे है वह लोग जा खड़े ही के मामलो हो वो जानागा। और साथ साथ में जो पास में जो रास्ता निकल रहे है जहाँ मकान वगैरह ही बंद तोड़ा गया ही रास्ता के पीछे ही, तो सारो मामलो है अठा का लोग ही बाहू आप जाना। राम राम जी। राम राम जी मैडम। जो यो रास्ता है रास्ता के पीछे जहाँ मकान वगैरह भी टूटे ही के विवाद चल रहे है मैडम। ये 2017 से रास्ते के लिए जो 1017 खसरा नंबर है, कटान का रास्ता है, और लगभग ये मान लो 10-20 साल से अतिक्रमण था। वैसे कटान का 16 फीट है, वैसे 20 फीट का रास्ता प्रशासन ने तय किया था, ऑन स्पॉट 6 फीट भी नहीं था। तो बार बार ये दिक्कत आ रही थी, हम जो रह रहे हैं जो भी बस रहे हैं, मेरे भी खेत हैं दोनों साइड। रास्ते के लिए हमने कार्रवाई की थी, 91 की कार्रवाई की थी, 2017 में एप्लीकेशन लगाई थी, 2019 के अंदर आदेश भी हो गए थे भाई रास्ता के नपते आदेश करके इसको अतिक्रमण को हटाओ, लेकिन बीच में 2 साल में लॉकडाउन आ गया था। अब प्रशासन की पूरी टीम आगे गिरदावड़ जी, 2 पटवारी और पूरे प्रशासन में जाप्ता सहित आगे ये 20 फीट का रास्ता पूरा करवा दिया। लेकिन आप ऑन स्पॉट देख रहे हो रास्ता करने के बावजूद भी इन्होंने अतिक्रमण वापस अतिक्रमण कर दिया, आपके सामने देख रहा है लग रहा है। कल शाम को इन्होंने जो आज पता था कि आज रोड बनने की बात थी, लेकिन कल शाम को इन्होंने ये छाप लगा दी। तो गांव का सरपंच जी ही बह के बोल रहे हैं कि भाई जब बह लोग आके तहसीलदार गिरदावल सब लोग आके ये रास्ता ने खुला गा सारो करके चले गए, तो बाकी तो गठे गलती कोई गलती नहीं प्रशासन को गलती, लेकिन जो सरपंच के जो मुखिया है जो आपने बात उठाई, मैंने सरपंच जी को फोन करके बोला कि जब रास्ता का कर दिया कि भाई ये रास्ता है सीमा ज्ञान कर दिया इससे आगे आपको अतिक्रमण नहीं कर रहा, उसके बावजूद कर रहे तो सरपंच जी आपकी कमी है। तो कल शाम को बात हुई थी, वो बोला आज आ रहे हैं आज करवा रहे हैं। यो रास्ता अभी कितना फीट को करे है? रास्ता मैडम 20 फीट को करे है। 20 फीट को तो थे इधर रोड चाहो। हाँ 20 फीट की ग्रेवल रोड की बात हुई सरपंच जी से, सरपंच जी बोले 20 फीट को ग्रेवल रोड डलवा देंगे, पहले ग्रेवल करके इंटरलॉक रोड करवाऊंगा ताकि इन फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए दिक्कत। अब कठे से दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत कुछ नहीं आ रही मैडम, वो सरपंच जी पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, आज करें कल करें आज के लिए बोला है। और आज जैसे कल इनको पता चला, जैसे चाहे मैं हूँ चाहे कोई बसरा, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम ले लूंगा, कल पता था कि आज रोड बनने वाली है, आज इन्होंने देखो छाप ये क्या कर रखे है, दोनों साइड से मैं किसी एक व्यक्ति के नाम पहले इन्होंने डाल दी फिर इन्होंने डाल दी। और जब हम बस रहे हैं तो रास्ता तो हमारे को सबको चाहिए, एक तरफ से बोल रहे हैं रास्ता हो रहा है बहुत अच्छी बात हो रही है, और एक तरफ से एक दूसरे को आपस में हमारे भाई हम जैसे एक ही गोत्र के मैडम भाई भाई आपस में एक दूसरे को अनावश्यक भिड़ा रहे हैं। अपना तो जो उद्देश्य है मैडम मैन की रास्ता चाहिए, वो लीगल जो ऑन रिकॉर्ड जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो रास्ता है 1017 खसरा नंबर है रिकॉर्डेड है, अपने को वही रास्ता चाहिए। तो ये प्यार प्रेम हो या सल्टन की मैडम, सल्टन की क्या बात है मैडम जी, मेन बात यह है कि प्रेम से ही है कि सल्टन में जाते मैडम जी। और जैसे बोले छाप की बात है ना मैडम, छाप की बात तो आप देख सकते हो आप, ये कल शाम को डाली गई है, सही सत्य बोल रहे हैं ये लोग। खेत क्या तो लग गए? हाँ जी खेत लगता है, ये अपना ही खेत है जी। और ये बात की मैडम देखो पहले आप देख लो कहाँ से पहले कौन सी डली हुई है और कौन सी कहाँ तक है, नहीं तो मैडम हमें ये पता कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक है, और ना ही हमें ये पता कि हमारी जमीन यहाँ से और वहां तक तुम्हारी जमीन है, ये हमें अभी कभी कोई लोकेशन नहीं दी गई है। 4-5 बार यहाँ पटवारी आ गए, ग्राम सेवक आ गए, तहसीलदार आ गए, कर गए ठीक है। लोकेशन कौन दी के लोकेशन मैडम ये की तुम्हारे यहाँ तक तो तुम्हारा रास्ता है, इस साइड में यहाँ तक है, इस साइड में यहाँ तक है, नहीं मैडम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब अपने हिसाब से काटे हुए हैं, बताए कुछ नहीं गए, मतलब वो अपने आप करके गए, वो अपने आप कर गए, बोले हमें कुछ नहीं बताया अभी तक। इसकी 7 बार तो निपटी होली इस रास्ते की, विवाद यहाँ से स्टार्ट है ठीक है। इन्होंने डोला बांध रखा था पहले, इस भाई की ये जमीन है मेरे पड़ोसी की, तो डोला रास्ते में बांध दिया इन्होंने, प्रशासन आके इस डोले को डुहा दिया, जो अतिक्रम जो डंडा रहा था उसको डा दिया। फिर बाद में दोबारा इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, एक इन्होंने ही लगाई एप्लीकेशन कि भाई हमारे को दूसरी टीम चाहिए, हमारे को नियुक्ति चाहिए दोबारा, और दोबारा काडवास के पटवारी और मुरादपुर का पटवारी, कारवास का सुरेंद्र, मुरादपुर का पटवारी और एक ये अपना पटवारी, और गिरदावड़ जी जो गाडाखेड़ा सरदार जी वो इस टीम को आके नरेश जी इसको आके दोबारा नियुक्ति करके और निशान मार गए। निशान ये कह रहे हैं कि नहीं बताया,
निशान मैं बताऊंगा, इसका बता दूंगा, इसकी सीमा का, ये मेरी का एक एड्रेस बता दो, बताओ तो मेरी जगह कहाँ से कहाँ तक है। एक मैडम छूट गई थी, इन्होंने सुधार कर दिया, दोबारा है ना ये संतुष्ट नहीं थे ना। एक बार जैसे टीम आई थी ये लोग संतुष्ट नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई एसडीएम साहब के सामने, एसडीएम साहब ने वापस नई टीम गठित करके जो बता रहे हैं नरेश जी गिरदावड़ जी दो पटवारी जी आके, और उन्होंने बाकायदा एक दो मजदूर थे और निशान बताए गए थे। ये झूठ बोलने की इनको बताया नहीं, सब बताए गए। विवाद क्या कुछ चल रहा है, विवाद ये चक्कर है कि ये बोल रहे हैं कि इस जो रास्ता मैडम 20 फुट का कटान का रास्ता है ना, वो रास्ता वो काट के गए हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों, ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से लो, दोनों तरफ से। मैंने मैडम दा भी नहीं रखी तो मैं कहां से दूंगा, मेरे को ये बताओ। पहले यहां 20 साल पहले महावीर सरपंच थे, ग्रेवल डलवाए थे 12 फुट में इधर, वो वैसे नहीं 20 साल पहले बड़े बड़े रास्ता डाला था, वो सरपंच ने डाला वैसे डाल दिया गया, ये बताओ मेरे को। क्या कोई विवाद है जो, कोई विवाद कौन बेटा, यहाँ तो देखिए पटवारी गिरदावली सारा आया था, नाप तोल के जठी ने रास्ता का में जो आयो ना, मकान आए तो वो ढा दियो, डंडो आए तो वो ढा दियो, मारी भी आग लो खेचो में बा बाढ़ थी वाह मारी भी ढा दी। मैंने कह को 2 फुट दाब रखा है, 10 फुट दाब रखा है, वो 10 फुट डालो नु कहेगी गिरोल पड़ी थी ना पहले जो सरपंच कांकरा जी रखा हुई है क्या नरेगा के हिसाब से। अब वो क्या कह रहे हैं 10 फुट में दाब रखी है और गिरोल जो सरपंच जी डाल के गया ना उसमें से आधी इधर से ले लो, आधी इधर ले लो, और इधर वाले ने 1 फुट नहीं दाब रखी, इधर वाले ने 5 फुट दाब रखी, इधर वाले ने 1 फुट नहीं दाब रही, इधर वाले ने 10 दाब रखी है, और तो 10 और देखे 5 वो ही देखे। पहले को रिकॉर्ड निकाल के फिर हाँ रास्तों पूरा रिकॉर्ड लेके झुंझुनू सीट से नक्शो लेके उनके बाद में बना पतो लेकर के काट के गए। सरपंच का गल में लगा रखो गुट्ठो कि तू आइया मन का डाइया काट, तू आइया मन का डाइया गुट्ठो लगा रहा, कोई ठाडो वो लगा जो जमीन में मेरी जमीन से मेरा ढूंढ क्यों डा दिया तमें, इन काट इन मन काटा सरपंच आओ को क्या जो को डर तो आओ को कह रहे क्यों 1-2 महीना होने पड़ी ने क्यों करे सरपंच जी तो सरपंच जी। हम तो कौन जा, हम तो प्रशासन जो काट गो ना वो उठी रोड बना दे बस भाई, जो 20 फीट का जो प्रशासन ने जो रास्ता किया है तय किया उसमें रोड बन जाए, ग्रेवल रोड बने, इंटरलॉक रोड बने, ताकि हमेशा के लिए भविष्य के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। थे थारे पक्ष में के बोलना चाहूँ मैं मैडम जी, मेरे पक्ष में ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस जो भी काम हो ना जायज हो, लीगल हो, अनलीगल काम नहीं हो, तो जायज को नहीं हो रही, जायज नहीं हो रहा मैडम। बताओ मतलब ये है कि जो रास्ता है ना, ये रास्ता है जो पुराना जो पुराना जो कागजों में रास्ता है ना उस हिसाब से नहीं, जो नए कागजों के हिसाब से रास्ता बना रहे मैडम। ये किसी को कोई आपत्ति नहीं, करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन करने देते नहीं है, समझ गया। ये मेरा बाप की जमीन नहीं है, ये इसकी है, मंदिर की जमीन है, ये किसी की जमीन खातादारी की जमीन नहीं है। उसके बाद में भी बोल गदम पट्टी गदम पट्टी, तहसीलदार जी ने कहा कि ये जमीन है इसमें मंदिरों की जमीन है, अगर आप ज्यादा करोगे तो पूरा पूरा आपका हटा देंगे, मतलब आपकी जो आप बस रहे हैं ना ये भी हटा देंगे। तहसीलदार जी ने यहाँ तक भी बोल के गए इनको, ये जमीन जो है बोलते हैं जैसे अपने मंदिर की है तो ये रजिस्ट्री की जमीन नहीं है, उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती भाई जो बता रहे हैं प्रशासन बता रहे हैं वहां तक, उसके बाद आगे सीमा से बढ़ रहे हैं, इनको यहाँ तक कहें बोले मैं और ज्यादा कर दूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ोगे आप इनको, बाकायदा तहसीलदार जी एक बार नहीं 2 बार 3 बार आगे बोल के गए, और 1078 खसरा नंबर है मैडम ये जो रास्ता कटान का रास्ता है। हाँ मैडम जी बताओ मेरी जगह रास्ता है, मेरा रास्ता वहां तो नपती है, आधा लोग तो बोल रहे हैं कि भाई मैं करके गए। चलो मैडम बताओ गलती की, गलती मैडम प्रशासन की है, प्रशासन ने अभी हमें कुछ नहीं बताया, कोई धनियों को नहीं तो इस धनियों को बताया न मैं बताया कि ये तो तुम्हारी यहाँ तक है और ये तुम्हारी यहाँ तक है, सबको बताया नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे, झूठ बोलने से क्या फायदा, इनको बताओ कहाँ तक इनकी, कहीं यहाँ पूछो इनको कहाँ से कहाँ तक इनकी, बताओ कहाँ से कहाँ तक, बताओ बताओ कहाँ से कहाँ तक है, बताओ मेरे को, मैं पूछता हूँ इनसे कहाँ, पूछो इनको कहाँ से कहाँ तक इनकी है। मैडम जी हम तो किन्हीं को लगा रही है छड़ी, का लाना लगाई ना रोक दियो, जो दिल लाना का गाड़ी घोड़ा जान लगा जितनी छड़ी लगाई, हम तो राज्य था रोड पर में बस और कुछ ही कौन सा रोड बनना, हम राज्य था लेकिन आना काल उड़ा लगा दिन से दिए 2 छड़ी हम इधर के गए हाँ नहीं इतने दिन तक काम कौन करी, देख लो 2 छड़ी कहाँ दे रही बेटा शुरू से देख लिया को मैडम ये तो बहुत पीछे ही है, तो हमें देख लो रास्ता का बहुत पीछे ही सारा काम अना खोरा क्यों है, ये भी होता नहीं कह रहा है कि हम काल लगाई ही ये छड़ी काल लगी ही इनको चाचा कह रहा है एक बार रोक लगे मैडम जी जो बात है मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कर लियो छोड़ो देखो था 21 साल का हो पागल है दिमाग रोड पर निकल जाना तो ही भी मर जाए। अच्छा मतलब हाँ, तो बता दी था पर ये पहले तोड़ गया दिन में थोक ने और आज तक निशान कौन बता रहा, मैं थोड़ा कितनी रुखा ले रहा कुत्ते बताओ शाना आदमी होते बताओ मैं तो मैडम गेट थो मेरो वो भी टूट को पुराने पड़े 27,000 रुपया पर ये भी कौन बता, नठिया कौन बताया आडल कर दू
तो थारो मतलब है कि भाई मैं तो आज जो संतुष्ट को रहा वो सरपंच को संतुष्ट रहा को ना कि वो सरपंच हो रहे तो मिनट दो में आगे बता दिया। मैं बताऊं बात सरपंच की पुलिस की प्रशासन की गोज वर्दी और तीखबाजी से डंडा रुपये फूट गया हिसाबदार कुछ भी कौन करे के तो कोई की जमीन ना होती निपटी पूरी करके दिली हुआ के जमीन रास्ता को बिचारो लेके आधी दीने ली और आधी दीने ली प्रशासन गोज भर ली पुलिस गोज भर ली और सरपंच गोज भर ली बता ले आपको करना पड़ेगा और रास्ता को क्या कर लो और धनिया को क्या कर लो जमीन 20,000 रुपया लगा के खेत न उरवाए थो क्या छोड़ रखे मेरे खेत में कि मैं तो करा मैं भी तो करा बड़ बीट को तो मान रहे हो ना आप मैं बता रहा हूँ ये तो पता नहीं है कर देंगे कि ये रास्ता है, है ये तो रास्ता करके आप देखो आप आगे देखो रास्ता मतलब दोनों साइड में आपकी जगह है तो आप ये थोड़ी के रास्ता आगे सरकार दोगे ये देखो 20 फुट के में 20 फुट छोटा रास्ता है इसमें ग्रेवल बिछाना चालू कर दिया जी। देखो अभी कोई आपत्ति नहीं है पर ये है कि जल को झुंझुनू से खुशबू जी आए थे उन्होंने हमारा काम बहुत अच्छे से करवाया और बढ़िया काम करवा के सरपंच जी उस दिन तो आए नहीं थे दूसरे दिन के नहीं आप बढ़िया है बढ़िया काम करवा दिया कोई दिक्कत नहीं है जी बढ़िया काम चल रहा है जी। साथ साथ में यो वीडियो जरूर शेयर करियो ताकि आगे लोगों तक जरूर पहुंचे और कमेंट में जरूर बताइयो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।